तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने जानी थी CSR के साथ हम किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। आज हम चलेंगे इसकी एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में बहुत कुछ है तो एक वीडियो में तो कवर करना मुश्किल है। आज हम इसके वॉइस असिस्टेंट सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो कमाल की होने वाली है। इसका वॉइस असिस्टेंट बहुत कमाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल है। और इसके इस द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो वो भी बताने वाला, बहुत ही ज़्यादा कमाल है भाई, बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ प्रोग्राम सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में चलता हूँ। अरे कहाँ, गलत जगह हाथ लगता है यार। यहाँ चलते हैं वॉइस असिस्टेंट सेटिंग में। वॉइस असिस्टेंट सेटिंग में आ गए, ठीक है। यहाँ से आप लैंग्वेज को इंग्लिश कर लेना। ये चाइना वाले इतने भाई क्या बोले, ये चाइना वाले इतने अजीब होते हैं, अपनी लैंग्वेज भी चाइना सेलेक्ट करके देते हैं भाई साहब हर जगह। मतलब इनका ही प्रमोशन हो जाए हर जगह, और जैसे यूज़ ही नहीं करते चाइना वाले ना, मतलब बस यार इस मेरे को नफरत है थोड़ा। तो इंग्लिश पे कर देना, ठीक, सही हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम स्पीच रिकग्निशन एंजल अगर डिफॉल्ट है तो भी चलेगा, नहीं तो गूगल कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। इसको टिक कर देना, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट है ये भी चाइना वालों ने दिया, तो चाइना वाला हम कुछ नहीं रखना चाहते, बस इसे रखेंगे हम। तो आप गूगल पे क्लिक कर देना, गूगल से, गूगल की जो है पता नहीं क्या है ये, बस गूगल कर देना है। वॉइस कमांड सेटिंग, वॉइस, यहाँ से आप वॉइस कमांड्स की जो है वॉइस कस्टम वॉइस कमांड्स क्रिएट कर सकते हो। वो तो मैंने बता ही रखा है कैसे करना है, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, इतना टाइम थोड़ा है, वो देख लेना वीडियोस भाई पुरानी जाकर, इस पे देखते कैसे क्रिएट कर सकते हो। कैसे करना ये नहीं बताऊंगा, ये होता क्या ये भी नहीं बताऊंगा, बता रखा है मैंने, तो पुरानी वीडियोस देखो। और यहाँ से जो आपने बना रखी होने आप शेयर कर सकते हो, तो मैं करता हूँ। वॉइस असिस्टेंट कैपेबिलिटी सेटिंग का यहाँ पर ऑप्शन है, इसकी वॉइस असिस्टेंट के द्वारा आप क्या क्या करना चाहते हो वो कस्टमाइज कर लेना, ठीक है। आप वॉइस असिस्टेंट के द्वारा जो जेस्टर थीम है उन्हें स्विच कर सको, मतलब आप बोलो कि सेट कस्टम जेस्टर्स या चेंज टू, जो भी आपने जेस्टर डाउनलोड किए होंगे, तो अगर आप चाहते हो कि ये आप बोलो और जेस्टर थीम बदल दे, तो आप इसे टिक रख सकते हो, ठीक है। वॉइस कमांड्स आप अलाउ करो, जो कस्टम वॉइस कमांड्स होती है तो टिक ही रखना है, ये तो सभी टिक रखना, सभी यूज़ करना है हमने, जब हमें सब कुछ मिल रहा है तो हम सभी यूज़ करेंगे ना, ठीक है। एडिशनल वॉइस कमांड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे टेल मी है जो चेक्स द वेदर, ये सब एडिशनल वॉइस कमांड्स होते हैं, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट में एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो है एक्टिवेट भी कर देता है, ये एक्टिवेट क्या क्या करते हैं तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये प्रोग्राम भी ओपन कर देगा, बोलोगे जो आप, चैटबॉट भी देख सकते हो वो कैसे यूज होता है, बहुत ही कमाल का बताऊंगा। तो ये सब है, सबको टिक कर देना, सिंपल भाषा में यही कहूंगा। अच्छा, इसका खुद का ट्रांसलेटर भी है, लेकिन ये ट्रांसलेटर वैसे अभी कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं है, बस आप किसी भी लैंग्वेज को आपके काम की है इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रांसलेशन के रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएं, तो इसे टिक कर देना। वैसे तो आंटी की ठीक है यार, क्यों कॉपी करना फालतू में। उसके बाद सोर्स लैंग्वेज तो ऑटो ही ठीक है, ऑटो ही रखने देना, और टारगेट लैंग्वेज आप इंग्लिश कर लेना, क्योंकि इंग्लिश ही काम की और कोई काम की नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स यानी एडिट बॉक्स पे आप लॉन्ग प्रेस करके रखो और वॉइस इनपुट चालू हो जाए, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो टिक कर लेना। ऐसे टाइपिंग वाइपिंग करता है लेकिन इतना भी सही नहीं है, इसमें हिंदी नहीं है, तो ये एंटी की ठीक है वैसे, ठीक है। अगर आप वॉइस इनपुट यूज़ कर रहे हो तो ये टेक्स्ट को अपेंड कर दे, तो टिक कर सकते हो, ठीक है। जब वॉइस असिस्टेंट चल रहा हो तो ये जो मीडिया वॉल्यूम है आपका वो म्यूट हो जाए, तो इसे तो वैसे अनटिक रखो, कोई बीच में हमें चलाना हो तो हट, इसे अनटिक रखना। तो नेविगेट अप करता हूँ, तो इसमें इतना ही था। अब देखो मैं करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी फ़ोन गिरता भाई साहब मेरा, तो मैं करके नहीं दिखा सकता, आपको पता है दो दो माइक नहीं चलते, मैं बता रहा हूँ। हाँ, वॉइस असिस्टेंट को बोलोगे पहले वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके रखना, ठीक है। जहाँ पे भी आपने वॉइस असिस्टेंट का जेस्टर रखा होगा या शॉर्टकट रखा होगा वो अप्लाई करना। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट में होता है वॉल्यूम की, वॉल्यूम डाउन की को लॉन्ग प्रेस करके रखना, तो एक साउंड देगा आपको। फिर आप बोलना ओपन
व्हाट्सएप, तो ये ओपन कर देगा या जो भी आप ओपन कराना चाहो, यानी कि आप इससे ऐप ओपन करा सकते हो सिंपल भाषा में। दूसरा जो एक्सटेंशन है वो यूज़ कर सकते हो, मान लो डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज में, वो तो आगे चलेंगे। वैसे अगर आपने गो टू टेक्स्ट टू स्पीच का एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है तो आप असिस्टेंट में चलाना, बोलना गो टू टेक्स्ट टू स्पीच या जो भी एक्सटेंशन का नेम है वो बोल देना, बस वो एक्टिवेट हो जाएगा और टेक्स्ट टू स्पीच में चला जाएगा। और इसके जो 90 फंक्शन है, जो 90 फंक्शन 18 मिनट की वीडियो में जाने थे, वो भी सब यूज़ कर सकते हो। बोलोगे चेक द वेदर, वेदर चेक कर देगा, और बोलोगे अनइंस्टॉल व्हाट्सएप, तो ये व्हाट्सएप को जो है अनइंस्टॉल कर देगा। वैसे पैकेज इंस्टॉलर आएगा, आपको कंफर्म करना है। उसके बाद इंस्टॉल टेलीग्राम, ये इतना बोलोगे तो प्ले स्टोर में ले जाएगा और टेलीग्राम सर्च कर देगा, इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका चैटबॉट बहुत ही कमाल का है, मान लो आप किसी से व्हाट्सएप में इससे और टेलीग्राम से चैट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मान लो व्हाट्सएप में हम किसी की चैट में हैं और हम वॉइस असिस्टेंट दबाएंगे, बोलेंगे हेलो सेंड, सेंड बोलना ज़रूरी है, उसके बाद ये सेंड कर देगा। तो ऐसे जो भी लिखना चाहो वो लिख लेना, लेकिन अभी हिंदी नहीं लिखता है। हाँ, इंग्लिश में ही आप हिंदी लिख सकते हो, समझ गए ना। तो ये सब आप इसके वॉइस असिस्टेंट से कर सकते हो, और बोलोगे करंट टाइम, टाइम बता देगा, ट्रांसलेट बोलोगे ट्रांसलेट, कैप्चा कटर सब कर सकते हो यार, एकदम बढ़िया है। और ये रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट करता है। तो क्या क्या कर सकते हो मैंने आपको बता दिया, करके नहीं दिखा सकता क्या, क्योंकि दो दो माइक एक समय पर नहीं चलते। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो यार कितना। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए अबाउट पेज ज़रूर चेक करना।